प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने जिले में तेजी से पेड़ पसार रहे कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए जिले के प्रतिष्ठानों व रैली सामाजिक कार्यक्रमों को बंद रखने के आदेश जारी करने के बाद में छोटी साधी SDM श्याम सुंदर चेतीवाल ने शहर में सभी प्रतिष्ठान बंद करवाए गए हैं। पुलिस ने अनाउंस में कहा है कि प्रतिष्ठान बंद करें और सभी अपने घर की ओर प्रस्थान करें। प्रशासन ने आमजन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए संपूर्ण जिले के समस्त व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, शिक्षक संस्था, रेस्टोरेंट, होटल, खाने पीने की वस्तु वाले ठेले, दुकानें, फेरी वाले, मांस विक्रय तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। समस्त प्रकार के सार्वजनिक वाहन जो जिला मुख्यालय से होकर गुजरते हैं वह मुख्यालय पर नहीं रुकेंगे, ना ही सवारियों को उतारेंगे और न चढ़ाएंगे। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय बिना रुके वाहन सीधा अपना गंतव्य की ओर प्रस्थान करेगी। साथ ही दो पहिया व निजी वाहनों की आवश्यक स्थिति में आगमन करेंगे। जिले के समस्त चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर, चिकित्सक, चिकित्सा सेवा से जुड़े समस्त संस्थान सुचारू रहेगी। समस्त धार्मिक स्थल प्रतिबंधित रहेंगे, किंतु साफ सफाई व पूजा अर्चना 5 व्यक्तियों के मध्य सुचारू रहेगी। लोक व्यवस्था के लोग शांति के मद्देनजर रखते हुए समस्त प्रकार की मदिरा बिक्री की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के दौरान पुलिस विभाग, रसद विभाग, चिकित्सा विभाग द्वारा बाजार में कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। छोटी सादी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।